सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। अमेरिकी एयरवेज के ऊपर दिखा चीनी बैलून, पेंटागन का दावा जासूसी के लिए भेजा, पहले भी मोबाइल टावर के जरिए सूचनाएं चुराई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के इंजन में आग, अबू धाबी से कालीकट आ रहा था विमान वापस लौटा, सभी 184 यात्री सुरक्षित। हवाई हमले कर लोगों को मार रही म्यांमार की सेना, मानवाधिकार संगठनों की मांग इन्हें जेट फ्यूल ना दे, चीनी विमानों का हो रहा इस्तेमाल। अमूल दूध 3 रुपए महंगा हुआ, गोल्ड 66 रुपए लीटर और फ्रेश 54 रुपए लीटर मिलेगा, बढ़ी हुई कीमत आज से ही लागू। यूक्रेन जर्मनी टैंक डील पर बढ़ के पुतिन, वर्ल्ड वॉर 2 से की जंग की तुलना, कहा रूस से मॉडर्न वॉर पूरी तरह से अलग होगा। अमृतसर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बॉर्डर पर आवाज सुन बीएसएफ ने की फायरिंग, खेतों में गिरा मिला हीरोइन बरामद। पाक में आईएसआई के खिलाफ पुलिस का मोर्चा, धमाके में सेना की भूमिका पर संदेह बढ़ा, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत पर गुस्सा भड़का। भारत में टैक्स चुकाने वाले 2 करोड़ से कम कुल आबादी में सिर्फ 6% ही टैक्स पेयर, अमेरिका में 60% लोग करदाता। प्राइवेट आर्मी को फंड देकर दिवालिया हो रहा यूक्रेन, रूस से लड़ रही निजी सेना के लड़ाकों का घोटाले का आरोप, देश विरोधी टिप्पणी की भी प्राइवेट आर्मी को फंड। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अधिकार पर उठाए सवाल, कहा एससी के फैसले के बाद भी एलजी के पास जा रही हैं फाइलें। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में ओरल वैक्सीन पर फोकस ज्यादा, भारत में 128 नए केस मिले। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में कई ठिकानों पर पहुंची टीम, टेरर इनपुट मिलने के बाद एनआईए ने की कार्रवाई। असम में बाल विवाह के 4000 से ज्यादा केस, अब तक 1800 लोग अरेस्ट हुए, सीएम बोले शादी में शामिल होने पर भी कार्रवाई होगी। यूक्रेन को सिर्फ $1 में मिलेंगे खतरनाक ड्रोन, अमेरिकी कंपनी ने कहा सरकार डील अप्रूव करे, अफगानिस्तान में हो चुके हैं इस्तेमाल। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 3 हफ्तों में मांगा जवाब, अब अप्रैल में सुनवाई। भारत और पिछली 5 में से 3 टेस्ट सीरीज में भारतीयों का रहा दबदबा, अश्विन, जडेजा और पुजारा बने थे हीरो। अंडर भारतीय महिला टीम का स्वदेश आगमन, दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, हाल ही में T20 पहला T20 ने जीता था। अडानी विवाद में हरियाणा के आईएएस खेमका की एंट्री, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले इसका नुकसान पब्लिक को ही उठाना पड़ेगा। उन्नाव में ईवीएम स्कूल की बस ने छात्रा को रोंदा, अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित, गुस्साए लोगों ने स्कूल की बस में की तोड़फोड़।